महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट टर्मिनल 1 में आग लग गई है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुणे के मंजरी स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लगी है। 300 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की योजना है। पिछले साल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी प्लांट में वैक्सीन का उत्पादन नहीं शुरू हो पाया है। मौके पर दमकल की 7 से 8 गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने के कारण और टर्मिनल में कितने लोग फंसे हैं, इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है। दूर से ही प्लांट के ऊपर काले धुएं का काला गुब्बार दिखाई दे रहा है। 5 मंजिला इस प्लांट में कोविशील्ड का प्रोडक्शन कुछ दिन में शुरू होने वाला है। अभी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट से करीब 102 किलोमीटर दूरी पर स्थित पुराने प्लांट से किया जा रहा है। कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की तैयारी नए प्लांट से थी, जिसका कुछ हिस्सा आग की चपेट में है।